जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन सा जगह सबसे अच्छा घूमने लायक है और वहाँ का लैंग्वेज किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली। दिल्ली में ऐसे तो नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज चलता है वहाँ, लेकिन फिर भी इंग्लिश भी आप चला सकते हैं और अदर लैंग्वेज वहाँ तो लगभग ना के बराबर चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश तो लगभग ऑल इंडिया ओवर में सारे जगह चलते हैं, तो आप वहाँ पर इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हो और हिंदी का यूज़ करके आप जो सामान है वो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सारा चीज़ आप कर सकते हैं। और वहाँ पर जो घूमने का मेनली जो एरिया है वहाँ का लगभग सारा एरिया घूमने लायक है। उसके बाद हम सेकेंड स्थान पे आते हैं मुंबई। तो मुंबई में भी बहुत सारा एरिया है घूमने वाला, लेकिन मेनली जो है मुंबई का वो मुंबई है, पुणे है, नासिक है और भी दो चार एरिया है इधर का, अजंता के पहाड़ी और भी कुछ अदर है, साईं बाबा टेम्पल ये इधर फेमस है, से इधर भी आप लोग घूम सकते हैं। और यहाँ के महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज यूज होता है वो होता है मराठी और इंग्लिश, हिंदी भी यूज होता है, हिंदी तो लगभग समझ जाते हैं लेकिन उतना यूज नहीं होता है, ज़्यादातर नॉर्मली मराठी यूज होता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद गोवा में मैंने यहाँ पे पुर्तगाल लोग सबसे पहले आकर रहे थे, तो ये पुर्तगाली के लोगों का है तो यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी चलता है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसका हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं और भी अदर लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोग तो जानते होंगे इंडिया से होंगे तो हिंदी का यूज हर एक जगह होता है इंडिया में, तो इंग्लिश का आप यूज कर ही सकते हैं। और फिर ले चलते हैं हम आपको कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वहाँ पर हिंदी तो लगभग ना के बराबर चलती है, मैनली इंग्लिश चलती है और प्लस में वहाँ पर चलता है कर्नाटक, तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में वो कन्नड़, ऐसा लैंग्वेज चलता है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैनली इंग्लिश का यूज तो सारी जगह होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं पटना बिहार, तो वहाँ पर हिंदी का यूज होता है, भोजपुरी थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हिंदी का तो आप समझते होंगे और इंग्लिश तो मैनली जानते होंगे कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। उसके बाद कलकत्ता, तो यहाँ पर इंग्लिश चलेगा, नवाब उसके इंग्लिश, यहाँ पर मॉलों का शहर कलकत्ता ही है, पुराना शहर। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश चलेगा, कलकत्ता में बंगाली, बंगाल है ना कलकत्ता, बंगाल का कैपिटल ऑफ बंगाल का कलकत्ता है, तो यहाँ पर बंगाली चलेगा। उसके बाद यही से चलेगा मेरी, उसके बाद फिर आ जाते हैं यूपी में वो क्या बोलते हैं लखनऊ, तो लखनऊ में फिर नवाबों का शहर उसको बोला जाता है लखनऊ को, वहाँ तो हिंदी चलता है। उसके बाद फिर क्या हिंदी चलता है, इंग्लिश भी चलता है और ये कुछ भी चलता है। मैंने आज का वीडियो में इतना ही दिखाने देते हैं क्योंकि ज़्यादा देर का हो जाता है। उसके बाद क्या